नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी और एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अभय देओल जी की सभी फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट के बारे में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभय देओल जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2005 में आई सोचाना था फिल्म से करी। और दोस्तों इस फिल्म की बजट थी 5 करोड़ की। दुनिया भर से इसने कमाई थी 5 करोड़ 28 लाख की और इनकी पहली फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद 2006 में इनकी फिल्म आई आहिस्ता आहिस्ता। बजट तो थी फिल्म की 4 करोड़ की। भारत से इसने कमाई 2 करोड़ 31 लाख की और दोस्त यह डिजास्टर रही। इसके बाद 2007 में अभय जी की फिल्म आई हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड और दोस्तों इसकी बजट थी 10 करोड़ की। दुनिया भर से इस फिल्म ने 19 करोड़ 52 लाख की कमाई करी। इसी के साथ यह बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दी गई। इसके बाद इनकी फिल्म आई 1:40 की लास्ट लोकल। बजट थी इसकी 3 करोड़ 50 लाख की। वहीं इसने कमाई मात्र 2 करोड़ 50 लाख और दोस्त यह डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई मनोरमा 6 फीट अंडर। बजट थी इसकी 3 करोड़ 25 लाख की। फिल्म ने कमाई मात्र 58 लाख और दोस्त यह फिल्म बुरी तरह डिजास्टर रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 2008 में ओइलक की लक्की ओए। बजट थी इसकी दोस्त 12 करोड़ की। दुनिया भर से इसने कमाई मात्र 10 करोड़ 6 लाख की और यह डिजास्टर रही। साल 2009 में अभय जी की फिल्म आई देव डी। बजट थी इसकी 11 करोड़। भारत से इसने कमाई 20 करोड़ 82 लाख की और यह अबव एवरेज हुई थी। इसके बाद साल 2010 में इनकी फिल्म आई रोड मूवी। इस फिल्म की बजट थी 14 करोड़ की। कमाई इसने मात्र 1 करोड़ 79 लाख की। इसी के साथ ही यह फिल्म तो बुरी तरह डिजास्टर रही। इसी साल ही इनकी फिल्म आई आयशा और बजट तो थी फिल्म की 18 करोड़ की। वहीं इस फिल्म ने कमाई 28 करोड़ 55 लाख की और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2011 में अभय जी की फिल्म आई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दोस्तों इस फिल्म की बजट थी 55 करोड़ की। दुनिया भर से इसने कमाई 174 करोड़ 50 लाख की और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद साल 2012 में इनकी फिल्म आई संघाई। इसकी बजट थी 23 करोड़ की। कमाई कर इसने 34 करोड़ 97 लाख की और यह बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल ही इनकी फिल्म आई चक्रव्यूह और बजट तो थी फिल्म की 30 करोड़ की। कमाई कर इसने दोस्त 28 करोड़ 36 लाख की और यह फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2013 में अभय जी की फिल्म आई रांझना। बजट थी इस फिल्म की दोस्त 35 करोड़ की। वहीं इसने दुनिया भर से 94 करोड़ 13 लाख की कमाई करी और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। और दोस्तों इसी साल ही आई थी द लवर्स और यह एक इंग्लिश फिल्म थी। इसके बाद 2014 में इनकी फिल्म आई 1/2। बजट तो थी फिल्म की 21 करोड़ की। कमाई कर इसने मात्र 3 करोड़ 72 लाख की और यह फिल्म बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2016 में इनकी फिल्म आई हैप्पी भाग जाएगी। इस फिल्म की बजट थी 20 करोड़ की। कमाई इसने 46 करोड़ 52 लाख की और दोस्त यह फिल्म तो सेमी हिट रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 2018 में नानू की जानू। बजट थी फिल्म की 15 करोड़ की। भारत से कमाई थी इसने 5 करोड़ 74 लाख की और यह फिल्म बुरी तरह डिजास्टर रही। और दोस्तों इसी साल ही आई थी इनकी फिल्म जीरो। बजट तो थी फिल्म की 200 करोड़ की। वहीं इसने कमाई कर 196 करोड़ 8 लाख की और यह फिल्म भी डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2019 में इनकी फिल्म आई चॉपस्टिक्स और दोस्त इसे ओटी
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई। इसके बाद आई थी हीरो जो कि एक तमिल फिल्म थी और दोस्त यह बॉक्स ऑफिस पर एवरेज हुई थी। और इसी साल ही आई थी लाइन ऑफ डिसेंट और दोस्त इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 पे रिलीज की गई थी। इसके बाद साल 2020 में आई थी व्हाट आर द ओड्स और इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई। अगली फिल्म आई इनकी साल 2021 में वेल्ले और बजट थी इसकी दोस्तों 24 करोड़ की। दुनिया भर से इस फिल्म ने कमाई मात्र 4,66,00,000 की। इसी के साथ ही इनकी यह फिल्म बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2022 में इनकी फिल्म आई जंगल क्राई और दोस्तों इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म लाइन्स गेट प्ले पे रिलीज की गई थी। तो दोस्तों यह था अभय देओल जी का अब तक का फिल्मी सफर। आपने इन सभी फिल्मों में से इनकी कौन सी फिल्में देखी है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूले जिससे आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।